तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर कभी अमेज़न का लोगो देखा है? वेल, आई थिंक ऑब्वियसली सबने देखा होगा। तो दोस्तों, अमेज़न के लोगो के नीचे एक एरो होता है, क्या आपको पता है कि उस एरो के लोगो का क्या मतलब होता है? और दोस्तों, गूगल जो इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी टोटल नेटवर्थ लगभग बिलियंस के अंदर है, आखिर उसको पैसों की ऐसी कौन सी कमी पड़गी जिसकी वजह से उनको गूगल को सिर्फ 800 रुपए में बेचना पड़ गया? क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, रात में जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम उस सपने को देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ सचमुच हो रहा है। इसका मतलब वो हमें बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन जब फिर हम सुबह को उठते हैं तो हमें पता लगता है कि वो एक सपना था। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 65% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इतने ज्यादा रियलिस्टिक सपने आते हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि उनके साथ जो चीज हुई थी वो उनके साथ असल में हुई थी या उन्होंने कोई सपना देखा था? मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आप में से क्या कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा होता है। अगर आप एक इंडियन हैं तो ये फैक्ट सुनने के बाद आपको अपने देश के ऊपर और भी ज्यादा गर्व होगा। हमारे इस दुनिया के लगभग हर देश ने कभी ना कभी किसी न किसी दूसरे देश पर हमला किया है, उस देश का पैसा लूटने के लिए या वहाँ पर कब्जा करने के लिए। लेकिन इस दुनिया के अंदर सिर्फ हमारा ही एक ऐसा देश है जिसने आज तक पिछले 2000 साल के अंदर आज तक किसी दूसरे देश पर कभी भी हमला नहीं किया। इसका मतलब जब से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे देश ने, मतलब इंडिया ने, कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं किया। हालांकि दूसरे बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने हमारे भारत का खजाना लूटने के लिए बहुत बार हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन हमारे कंट्री ने आज तक किसी दूसरी कंट्री पर कभी भी पहले बार कभी। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये बात सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है, मतलब जो भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं ये बात उनके लिए है, एक तरह की आप इसको टिप समझ सकते हो। दोस्तों, कुछ समय पहले एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर ये पता चला था कि अगर कोई लड़की खुद से किसी लड़के के लिए खाना बनाती है, मतलब उसको खाने पर इनवाइट करती है या किसी भी तरह उसके लिए खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस लड़की के लिए वो लड़का बहुत ही ज्यादा खास है। इसका मतलब है कि वो लड़का कुछ ज्यादा ही खास, समझ रहे हो आप? दोस्तों, पिछले 50 साल के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है इस बात का अंदाजा आप एक स्टोरी से लगा सकते हो। हम जो फोन यूज करते हैं और जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब आजकल तो बहुत सारे फोन ऐसे आ चुके हैं जिनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 500 GB से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब हमने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था तो उनका जो रॉकेट था उसकी जो पूरी कैपेसिटी थी, मतलब उसकी पावर थी, वो कितनी थी, क्या आप जानते हो? दोस्तों, जिस रॉकेट के अंदर वो लोग चांद पर गए थे, क्या आप जानते हो कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी सिर्फ 50 KB? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनकी जो रॉकेट की कैपेसिटी थी वो सिर्फ 50 KB तक की थी। इसका मतलब आपके हाथ के अंदर अभी जो फोन है उसकी कैपेसिटी उस रॉकेट से कहीं ज्यादा है। अब इस बात से आप ये तो अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले 40-50 साल के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ के अंदर अमेज़न के लोगों को तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने उसके नीचे जो एक एरो बना होता है उस पर कभी ध्यान दिया कि आखिर वो उन्होंने किस वजह से वहां पर लगाया हुआ है? दोस्तों, दरअसल इस एरो से अमेज़न हमको ये बताना चाहता है कि उसके पास ए से लेकर जेड तक हर तरह का सामान मिले, मतलब हम अमेज़न से किसी भी तरह का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, आपको हर तरह का सामान वहां पर मिलेगा। इससे बस हमको वो यही बताना चाहते हैं। स्टॉप इट। तो ये आदमी इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोगों में से एक है। 2015 के अंदर जब गूगल ने अपनी गूगल डोमेन सर्विस को स्टार्ट किया था तो एक दिन इन जनाब ने google.com पर जाकर google.com को ही सर्च किया, और सर्च करने के बाद जो उसने देखा, उसे देखने के बाद सबसे पहले उसने दो चांटे अपने मारे और उसके बाद अपने दोस्त के। दोस्तों, उसने ये देखा कि वहां पर google.com डोमेन को अवेलेबल बता रहा था सिर्फ $12 के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम गूगल की टोटल नेटवर्क की बात करें तो गूगल की टोटल नेटवर्क लगभग $1 trillion के आसपास है। सबसे पहले तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उसने उस डोमेन को खरीद लिया। आखिर कौन छोड़ता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी? अगर उसकी जगह पर मैं होता या आप होते तो क्या आप भी नहीं खरीदते? और दोस्तों, जब उसने खरीदा तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे भी कट गए और हर तरह की चीज होगी। इसका मतलब टेक्निकली वो अब गूगल का मालिक बन चुका था। इसका मतलब कि गूगल के अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन को वो देख सकता था, हर तरह की चीज को वो चेक कर सकता था। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस आदमी ने $1 trillion की कंपनी को सिर्फ 800 रुपए में खरीद लिया था। अगर वो चाहता तो उसके साथ बहुत ही कुछ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने फौरन गूगल को अलर्ट किया और उस डोमेन को वापस कर दिया। Nice.
तो दोस्तों मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता, मतलब वो गूगल का डोमेन आपको मिला होता 800 रुपए के अंदर, तो आप उसके साथ क्या करते। कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आप क्या करते अगर आपको ये मौका मिला होता। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और सिर्फ अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सिर्फ एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा के साथ करने की कोई जरूरत नहीं। और हमारे चैनल का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे चैनल का नाम है जस्ट फैक्ट। जस्ट स्टॉप इट। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।